वैलेंटाइन वीक चल रहा है, जहां एक तरफ दोस्त लोग अपने दोस्तों को वैलेंटाइन डे की खुशियां मना रहे हैं, साथ में उनको गिफ्ट्स दे रहे हैं, वहीं सोसाइटी का एक स्टेटा ऐसा भी है जो इस वैलेंटाइन डे को बिल्कुल अपोज करता है। हम उन लोगों से बात करेंगे कि क्यों वो लोग वैलेंटाइन डे को नहीं मनाना देना चाहते। हालांकि अभी कुछ लोग जो है इन दिनों को मना रहे हैं और 14 तारीख को ये वैलेंटाइन डे होता है। हमारे साथ बजरंग दल के कुछ युवक हैं जो इस फेस्टिवल में जो है ये कहते हैं कि इस फेस्टिवल को जो है ये बिल्कुल जो है पाश्चिमिक जो है वेस्टर्न कल्चर है उसको बिल्कुल जो है इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता। हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। आपका नाम? मेरा नाम राकेश शर्मा है। राकेश जी, आपके अकॉर्डिंगली क्यों वैलेंटाइन डे नहीं होना चाहिए? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैलेंटाइन क्या था, वैलेंटाइन तो एक पादरी था और उसी के नाम से यह दिन मनाया जाता है। उसने एक देश में प्रेम विवाह कराया था और वहाँ की जो सरकार थी उन्होंने उसको फांसी की सजा दी, उसी के नाम से वैलेंटाइन डे जो है लगातार मनाया जाने लगा। पहले ये एक दिन का मनाया जाता था, धीरे धीरे ये करके 8 दिन का कर दिया गया। यह एक व्यापार का अड्डा है जो सारा का सारी करेंसी जो हिंदुस्तान का जो धन है उसको इकट्ठा करके फॉरेन में ले जाया जाता है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं क्योंकि ये पश्चिमी सभ्यता है, हमारे देश की सभ्यता नहीं है। हम अपनी हिंदू संस्कृति को खत्म नहीं होने देंगे। कोई भी अगर ऐसी हरकत जो यहाँ पर करेगा, जो पश्चिमी सभ्यता के यहाँ पर आने की कोशिश करेगी, हम उसका विरोध करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्की चौधरी है। विक्की जी, वैलेंटाइन डे यहाँ पे जो जो लोग मनाते हैं, आप लोगों का कहना है कि वैलेंटाइन डे नहीं होना चाहिए, क्या तर्क है आपका कि ये वैलेंटाइन डे यहाँ पे नहीं मनाना? हमारा तर्क है कि हमारे हिंदू धर्म में प्यार शब्द की बहुत महिमा है, हमारी संस्कृति में प्यार को बहुत महत्व दिया गया है। हमारे देवी देवताओं को देख लीजिए, हमारे इतिहास को देख लीजिए, पर केवल और केवल ये षड्यंत्र मात्र करके ये वैलेंटाइन डे को, ये जैसे हमारे प्रधान जी ने बोला, ये सिर्फ एक केवल षड्यंत्र है जिससे हमारी जो संस्कृति को नष्ट करने का ही ये षड्यंत्र है और हम इसे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। 365 दिन होते हैं साल में, तो तुम्हें एक ही हफ्ता मिलता है क्या प्यार करने के लिए? पूरा हफ्ता पड़ा है। माँ बाप से प्यार करो, अपने देवी देवताओं से प्यार करो, अपने धर्म से प्यार करो। ये हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और हम करते रहेंगे। आपके अकॉर्डिंगली वैलेंटाइन डे ना मनाकर इन युवकों को क्या करना चाहिए आज के इस दिन? देखिए, जो कि 14 फरवरी को ये वैलेंटाइन डे मनाएंगे, इससे बेटर है कि इनको ये भी पता होना चाहिए कि 14 फरवरी को जो हमारे देश के भगत सिंह जी को फांसी की सजा हुई थी, उनकी सुखदेव जी, रायगुरु, गुरुदेव, उनको फांसी की सजा हुई थी, वैलेंटाइन डे से अच्छा है वो उस दिन को मनाए जिन्होंने देश के लिए कुछ किया। ये तो एक पश्चिमी सभ्यता जो इन्होंने वैलेंटाइन डे जो मना रहे हैं, इससे बेटर है कि ये वैलेंटाइन डे की जगह भगत सिंह का 14 तारीख को जो बहुत दिन बनाया जाए। जहाँ पे एक सेक्शन वैलेंटाइन डे मनाती है, दूसरी सेक्शन जो है वैलेंटाइन डे के अपोज में कह रहे हैं कि इस दिन जो है पेरेंट्स डे मनाना चाहिए या फिर अपने माँ बाप से जो है जो प्यार जाहिर करना चाहिए। राकेश जी, ये बताइए कि इसके अलावा आप लोग बजरंग दल के सब जो है युवक हैं, इस दिन को किस तरह से आप लोग किस तरह से मनाते हैं? हम सुबह से ही हम इसका विरोध करते हैं और हम ज्यादातर कि इस दिन को जो वृद्धाश्रम है उन आश्रम में जाकर जो जिन लोगों ने अपने बूढ़े माँ बाप को वहां पर भेजा हुआ है उनके पास जाकर उनको उनके साथ बैठकर हम इस दिन को मनाते हैं, जैसे मातृपित दिवस के रूप में मनाते हैं। और जैसे कि 14 फरवरी 1931 को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को उनके डेथ वारंट पे सिग्नेचर हुए थे, असल में जो फांसी की सजा उनको उसी दिन हुई थी और उनको फांसी पे लटकाया जो गया था वो 23 मार्च को लटकाया गया था, उसके बाद 23 मार्च को लटकाया गया था। किंतु हम इस दिन को उन लोगों के नाम पे मनाना चाहते हैं जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है। हमारी युवा पीढ़ी को ये पता होना चाहिए कि हमारे शहीदों ने इस दिन क्या बलिदान दिया था, जिनके बदौलत आज हम यहाँ पर स्वतंत्र वातावरण में घूम रहे हैं। और हमारी संस्कृति को ये एक नष्ट करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और बता देना चाहते हैं, हम सरकारों को भी बता देना चाहते हैं कि सरकारें जो रेस्टोरेंट वगैरह में ऐसे पार्टियां ऑर्गेनाइज कराते हैं, इनका भी हम बता देना चाहते हैं कि ऐसा सरकार ना होने दे, क्योंकि अगर उसके अगेंस्ट बजरंग दल कुछ भी करेगा उसके गंभीर परिणाम होंगे और फिर सरकार उसका ब्लेम हमारे ऊपर ना डाले, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। बजरंग दल का कहना है कि वो बिल्कुल कड़ा विरोध करते हैं वैलेंटाइन डे का। वहीं दूसरी तरफ वैलेंटाइन वीक चल रहा है, 14 तारीख तक ये वीक चलता है,
इनका ये कहना है कि इस दिन जो है हम पेरेंट्स डे भी मना सकते हैं, अपने शहीदों को भी याद कर सकते हैं। अब सवाल आप सबके सामने है कि आप वैलेंटाइन डे मनाना चाहते हैं या पेरेंट्स डे मनाना चाहते हैं। आशीष कोहली, यू फॉर यू वॉइस के लिए।